नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे कोयले की लूट से। जी हां, वो भी दूर नहीं, राजधानी से महज 35-40 किलोमीटर दूर रामगढ़ में कोयले की लूट की खबर आ रही है। लूट भी ऐसी जो कहने लायक नहीं है। कोयला निकालकर मिट्टी, बालू, पत्थर मिलाया जा रहा है। पदाधिकारियों ने आंखें मूंदे रखी है और पुलिस आंखें मूंदने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, कर रही है जो करना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आखिर यह कोयला जाता कहां है। दरअसल कोयला कोलियरी से निकलता है। कोलियरी से निकलने के बाद उसे सीसीएल के रेलवे साइडिंग तक पहुंचाना होता है और इसी बीच में कोयला गायब हो जाता है। महज 10 घंटे के सफर में ट्रक को 18-18 घंटे, 17-17 घंटे लगते हैं इस 10 घंटे के सफर को तय करने में। ये 7 से 8 घंटा क्या होता है? कोयले की लूट होती है इन 7 से 8 घंटों में, और ऐसा हर रोज होता है, सैकड़ों गाड़ियों से होता है। यह खुलासा है न्यूज 11 का आपके समक्ष। सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे आपको पूरी कहानी। कोल माफिया के खेल पर सबसे बड़ा खुलासा, रामगढ़ के कुज्जू में कोयला का काला खेल। ट्रांसपोर्टिंग के दौरान बीच रास्ते में हो जाता है कोयला चोरी, रास्ते में काला हीरा बन जाता है मिट्टी। कोयलांचल में कोयले के काले खेल पर आज न्यूज 11 भारत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। कोयला चोरी के खेल को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। खदान से निकला काला हीरा 10 किलोमीटर के भीतर कैसे मिट्टी में बदल जाती है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। देखिए, इस हाईवा में कोयला लदा है, लेकिन अब इस कोयला का खेल समझिए। सीसीएल क्षेत्र के कुज्जू में कर्मा परियोजना से हाईवा में कोयला लोड होता है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर जब सीसीएल की रेलवे साइडिंग में उसे अनलोड किया जाता है तो हाईवा में कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर होते हैं। यानी इस 10 किलोमीटर के दायरे में ही बड़ा खेल हो गया। रास्ते में हाईवा से कोयले की चोरी कर ली गई और कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर भर दिए गए। यानी ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ही सारा खेला हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो स्वाभाविक है कि उसमें हेरा फेरी का मामला तो बनता ही है, और इस संदर्भ में कई एक मामले रामगढ़ जिला के कई एक थानों में दर्ज भी है। जहां तक सवाल है सीसीएल का, सीसीएल प्रबंधन का, तो सीसीएल के लोगों को सरकार ने कोयले का रख रखाव, संरक्षण और संवर्धन के लिए, राष्ट्र के विकास में उद्योग की गति देने के लिए सहयोगी के रूप में संस्था मानी जाती है। लेकिन जब सीसीएल कर्मी ही कोयला कारोबारियों के साथ मिलकर कर करके और रिसीविंग कोयले के नाम पर अवैध कोयले की हेरा फेरी हो, तो यह बहुत ही दुर्भ। MSRSSG कंसर्टिन प्राइवेट लिमिटेड को परिवहन का जिम्मा, कर्मा प्रोजेक्ट से कुज्जू न्यू साइडिंग तक कोयला परिवहन का मिला है जिम्मा। 15 जनवरी को कर्मा प्रोजेक्ट से कोयला लेकर निकला हाईवा, साइडिंग में कोयले की जगह पहुंचा पत्थर और मिट्टी, रास्ते में कोयले की चोरी, कोयला की जगह भरे गए पत्थर और मिट्टी। पिछले साल MSRCCPL JNTP JV कंपनी पर भी लगा था आरोप। पिछले साल ये कंपनी के जिम्मे था कोयला का ट्रांसपोर्टिंग। कोयले की हेराफेरी को लेकर 5 मई 2023 को कुज्जू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उस वक्त कोयला लदे दो हाईवा और पोलेडर को सुरक्षा प्रहरी ने जब्त किया था। ये दोनों गाड़ियां बिना रजिस्टर एंट्री के कोलियरी में घुसी थी। अब इस साल 15 जनवरी को सुरक्षा प्रहरी मदन महतो ने एक और मामला कुज्जू ओपी में दर्ज कराया है। साथ ही काले खेल में शामिल हाईवा को जब्त कर पुलिस को सौंपा है। लेकिन कोयले के इस काले खेल पर सीसीएल के कुछ पदाधिकारी अनजान बने हुए हैं। कि सीसीएल के कुछ कोयला को जहां गंतव्य स्थान पे पहुंचना है वहां न पहुंच के दूसरे स्थान पे जा रहा है, इस तरह के मामले पता चल रहे हैं। हो सकता है ये सब हमारे नॉलेज में नहीं हो सकता है, आप लोगों के नॉलेज में। कोयले का ये खेल कई सालों से चल रहा है।
बीच बीच में सुरक्षा प्रहरियों ने मामला भी दर्ज कराया, बावजूद सीसीएल प्रबंधन को इसकी जानकारी कैसे नहीं मिली। वही मामला दर्ज कराने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, सीसीएल प्रबंधन ने इन कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस प्रशासन के साथ सीसीएल के कुछ पदाधिकारियों को भी संदेह के घेरे में डाल रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रामगढ़ से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो कोयले की ये लूट बेतहाशा चल रही है, बेखौफ है कोयला चोर, कोयले के लुटेरे, क्योंकि जहां एक तरफ सीसीएल के कुछ पदाधिकारियों की जेबें गर्म हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकल पुलिस भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है, सीआईएसएफ संदेह के घेरे में है। आखिर कोयला निकलता कैसे है कोलियरी से, और निकलने के बाद कोयले का जो फिक्स रूट है उस रूट से डाइवर्ट कैसे हो जाता है, करेंगे चर्चा अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ जो सीधे हमसे जुड़ रहे हैं रामगढ़ से। धर्मेंद्र, कोलियरी फिक्स है, रूट फिक्स है और साइडिंग भी फिक्स है, साइडिंग का इंचार्ज भी होता है, फिर आखिरकार कोलियरी से कोयला निकलता है, लेकिन साइडिंग में पहुंचने से पहले मिट्टी बालू और पत्थरों की मिलावट कैसे हो जा रही है? आपने सही कहा कि रूट तय होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस कंपनी को ट्रांसपोर्टिंग दिया जाता है वो तय होता है कि एक ही कंपनी कोयलवड़ी से ट्रांसपोर्टिंग करेंगी। अगर बात हम रामगढ़ जिले के कर्मा कोयलवड़ी की करें तो कस्टोडियन कंपनी को यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का काम मिला हुआ है, जो रेलवे साइडिंग तक कोयला को पहुंचाते हैं। ऐसे में जो है एक तरह से कहे कि भेजने वाले का नाम भी तय होता है, इतना ही नहीं गाड़ियों का नंबर भी पहले से तय होता है कि इस नंबर की गाड़ी ही कोयले का परिवहन करेगी। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इन कोयला चोरी को रोकने के लिए जीपीएस सिस्टम का इजाद किया गया, बजाते सीसीएल में इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, और हर वो वाहन जो कोयले का परिवहन कर रही है कंपनी के दायरे में आकर उस परिवहन में जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है। और ये बताया जाता है, जो अधिकारी बताते हैं कि अगर किसी कारणवश अगर यह गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन होती है तो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोयला चोरी के लिए तमाम मापदंड तय किए, रोकने के लिए तमाम मापदंड तय किए गए हैं। जीपीएस सिस्टम पे करोड़ों रुपया सीसीएल खर्च कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड पर लाखों रुपया हर महीने खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कोयला चोरी बदस्तूर रेलवे साइडिंग से जारी है। कोयला खदानों से जो रूट डाइवर्ट कर कोयला तस्कर जो है आसानी से कोयला की हेरा फेरी कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो तय रूट होता है, तय रूट के दायरे में ही कई प्लांट आते हैं। तो अगर कहा जाए कि डंपर से जब भी रेलवे साइडिंग पर कोयला पहुंचता है तो अमूमन जो है लोग राहगीर यही समझते हैं कि यह कोयला एक नंबर का है, कागजातों के साथ जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी में दर्जनों की संख्या में गाड़ियां 10 मिनट के लिए ही रूट डाइवर्ट करती हैं और कोयले का कालाबाजारी कर लेती हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। पूरे प्रकरण में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी को राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन कहेंगे इन अधिकारियों को राजस्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जेबें गर्म हो रही है। कम समय में वे अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं और यदा कदा जब यह मामला आता है, कभी तूल पकड़ता है, तो प्राथमिकी दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जो अगर पूरे मामले की अगर सबसे बड़ी बात जांच की जाए तो सीसीएल के तहत सीसीएल में जो जिन कंपनियों को भी कोयले का परिवहन मिला हुआ है, अगर उनकी संलिप्तता, उनके गाड़ियों की संलिप्तता इस कोयला चोरी में आती है तो अब तक जो झारखंड का अगर हम रिकॉर्ड करें, रामगढ़ जिले की ही कोयलवड़ी की बात नहीं करें, अदर कोयलवड़ी की भी बात करें, जैसे रामगढ़ में उरीमारी कोयलवड़ी है या फिर कर्मा कोयलवड़ी है या फिर झारखंड उत्खनन परियोजना कोयलवड़ी है, यहाँ पे जो भी कोयले की परिवहन कर रहे हैं उस कंपनियों पर सीसीएल द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर कोयला चोरी का आरोप इन कंपनियों पर लगता है तो ना तो इन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड किया जाता है सीसीएल के द्वारा और न ही कभी इन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। तो
तो इस तरह से अगर ठोस कार्रवाई का ना होना बता रहा है कि कोयला चोर दुस्साहस होते जा रहे हैं और वे अपने कालाबाजारी में कामयाब हो रहे हैं। जी धर्मेंद्र, अभी आपने बताया कि जीपीएस लगा हुआ रहता है, जीपीएस एक्टिवेट है, बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसके बाद भी 10-10 मिनट, 15-15 मिनट और 2-2 घंटे के लिए रूट डाइवर्ट कैसे कर लेते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जिन कंपनियों को ट्रांसपोर्टेशन का काम मिलता है, ये तो साफ है कि वो कोयले को अगर बेचती है खुले बाजार में, अगर ट्रांसपोर्टेशन की जगह पे काटा कराने के बाद कोयले का खुले बाजार में बिक्री होता है तो निश्चित तौर पर फायदा होता है। ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर रामगढ़ जिले की बात करें तो ऐसे दर्जनों केस हैं जो कुजू थाने में दर्ज है, जिले के गिद्दी थाने में दर्ज है, जिले के भुटुंडा थाने में दर्ज है। जब इस तरह के जो है मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई और ये बताया गया कि इन ट्रकों, इन डंपरों द्वारा जो है कोयले लदे वाहनों द्वारा जो है रूट डाइवर्ट कर जो है कोयले की तस्करी की जा रही थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। प्राथमिकी दर्ज कर एक खाना पूर्ति हो जाती है, सीसीएल भी अपना पल्ला झाड़ लेती है कि इन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज की तरफ से, सिक्योरिटी इंचार्ज के आवेदन पर विभिन्न थानों में अपने आवेदन दे दिया है और कार्रवाई जारी है। तो एक तरह से कहें कि ये पूरा जो मामला है ये स्पष्ट बता रहा है कि अगर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है जिस पर सीसीएल करोड़ों रुपया टेंडर देकर खर्च कर रही है और उसके बावजूद यह चोरी हो रही है तो यह बता रहा है कि इनका जीपीएस सिस्टम फेल है, कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम जो है इसकी मॉनिटरिंग करने में सक्षम नहीं है। अगर बीच में गाड़ियां डाइवर्ट होती है या फिर गाड़ियां रुकती है तो उस स्थिति में कंट्रोल रूम में ऐसी सिग्नल की क्या व्यवस्था है जो तत्काल जो है वहां पे कार्यरत कर्मी को इसकी जानकारी मिले, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता बता रही है कि आखिर ये मामले का उजागर इन कंट्रोल रूम के सहारे क्यों नहीं किया जाता। जब भी रूट डाइवर्ट कर कोयला चोरी की जाती है तो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे कंट्रोल रूम की इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिलती है, क्यों स्थानीय लोगों के द्वारा जब कभी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं या यदा कदा सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर से साइडिंग पर जब गाड़ियां पकड़ी जाती है तब इन मामलों का क्यों प्लस आता है। तो ये स्पष्ट बता रहा है कि जो जीपीएस सिस्टम है वो पूरी तरह फेल है, या फिर कहें कि जीपीएस सिस्टम पर बैठे लोग घालमेल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर घालमेल तो कर ही रहे धर्मेंद्र, लेकिन पहले न्यूज 11 के दर्शकों को बता दे कि रेलवे साइडिंग, कई दर्शक ऐसे होंगे जो नहीं समझ रहे होंगे, रेलवे साइडिंग दरअसल सीसीएल की वो डिपो आप कह सकते हैं, वो साइडिंग एरिया होती है जहां कोलियरी से कोयला निकलने के बाद उन्हें गाड़ियों में लोड कर रेलवे साइडिंग पर लाकर गिराया जाता है, वहां से उन्हें रैक पर, रेलवे के रैक पर लोड कर अलग अलग पावर प्लांटों में बड़ी बड़ी कंपनियों को भेजा जाता है जिनके आपूर्तिकर्ता सप्लायर सीसीएल है। सीसीएल का कोयला जा रहा है, ऐसे जगहों पर अगर कोयले में मिलावट कर दी जाए, कोयला चोरी कर उसकी जगह पत्थर, बालू, मिट्टी डाल दिए जाए तो कहीं ना कहीं सीसीएल की भी छवि खराब हो रही है, सीसीएल का नाम खराब हो रहा है। सीसीएल आज देश राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीसीएल का एक नाम है, शेयर बाजार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है इस पूरे मामले से। यह समझने वाली बात है कि अगर रेलवे साइडिंग से पावर प्लांट्स को कोयला जाता है और रेलवे साइडिंग पर गिरने वाला कोयला ही 2 नंबरी हो जाता है, कोयले में मिलावट कर दी जाती है, तो कितने बड़े सवाल, गंभीर सवाल खड़े होते हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारियां हैं, ये जो कुजू रेलवे साइडिंग है यहां से कहां कहां कोयला भेजा जा रहा है, किन बड़े पावर प्लांट को कोयला भेजा जाता है? कुछ जो अगर बात करें जो सीसीएल जो कर्मा क्षेत्र का जो कोयला है या फिर तोपा कोयला, तोपा खदान का जो कोयला है वो जब कुजू रेलवे साइडिंग पर पहुंचती है तो वहां से एनटीपीसी टंडवा को जाती है, उसके बाद डीवीसी को ये कोयला सप्लाई होती है, औरंगाबाद में जो बिजली प्लांट है वहां पर ये कोयला सप्लाई होती है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इन कोयलों की मिलावट के बाद कहीं बिजली उत्पादन पर भी इसका खासा असर पड़ता है, लेकिन ये जो एक पूरा सिंडिकेट जो काम कर रहा है इस मामले इसको लेकर वो बड़ी ही चालाकी तरीके से, अगर रैक से जो कोयला का परिवहन होना है तो जितने टन सीसीएल के द्वारा जो है रिसीविंग के तौर पर वहां दिखाया जाता है और उसमें जो कोयला शॉर्टेज होते हैं उसमें मिट्टी और पत्थर मिलाए जाते हैं, इसको अगर अगर कोयलवरी की भाषा में कहें तो इसको ओवी कहा जाता है जो पत्थर होता है, और
ऐसे में ये आसानी से यह कहकर निकल जाते हैं कि कोयले के साथ ओवी भी निकलता है, लिहाजा लोडिंग के समय ओवी जो है आ गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। जबकि जो है जो सेल है, जो सेल संचालन जहां से ये कोयला चलता है, वहां पर इस बात की विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि किसी भी सूरत में ओवी को कोयला में मिक्स कर कहीं ना भेजा जाए। तो एक तरह से देखा जाए कि कोयले के नाम पर ये जो है पत्थर को मिला दे रहे हैं, इसके अलावा चारकोल को मिला दे रहे हैं और उसको कोयले की खेप में वे बड़ी आसानी से निकाल ले रहे हैं। इनसे इनका एक लंबा मुनाफा है, जो सबसे बड़ी बात है। एक बात जो सूत्रों से छनकर आ रही है, जब कभी अवैध कोयले की तस्करी होती है तो ये बताया जाता है कि क्षेत्र में जो निरह गरीब मजदूर है वो 2,000 रुपये टन अवैध कोयले की बिक्री करते हैं। तो इस तरह से जो अभी जो जानकारी आ रही है कि सीसीएल से जुड़े लोग जो इसमें शामिल है, तो अगर एक डंफर में अगर 15 टन अगर कोयला है तो एक तरह से क्या है 30,000 का भुगतान उनको जो है बिना लाग लपेट के बिना किसी मेहनत की हो मिल जाता है। इस स्थिति में अगर देखें तो वेतन का एक अलग भुगतान है, काम करने का अलग पैसा मिल रहा है और थोड़ी देर के लिए आँख मूंदने पर एक ऊपरी कमाई हो जा रही है। तो ये ऊपरी कमाई के चक्कर में सीसीएल की जो कर्मी है वो भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी अपने कर्तव्यों को ताक पर रख दे रहे हैं और जो है कोयला कारोबारियों से मिलकर ये अवैध कोयले का परिवहन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। देखिए, अगर इस पूरे सिंडिकेट को अगर रोका जाएगा, कैसे रोका जाए ये सवाल आता है, तो सबसे बड़ी बात है जो जिन कंपनियों को ट्रांसपोर्टिंग मिला है, जो भी कोयले का परिवहन रेलवे साइडिंग तक कर रहे हैं, अगर उनकी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं तो उनके खिलाफ सीसीएल के अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते, उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया जाता है, उन पर आर्थिक जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता। जो एक बात और, जो कोलवरी में जब न्यूज 11 की टीम द्वारा विशेष रूप से इस मामले की पड़ताल कर रही थी तो पता चला कि कोयले के परिवहन के लिए विभिन्न कंपनियों को द्वारा जो है टेंडर अप्लाई किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 18-20% बिलो टेंडर भरकर कोयले का ये लोग परिवहन लेते हैं। 20% बिलो टेंडर पे जाकर काम लेना, उसके बाद 2% इनकम टैक्स का भुगतान करना, 5% सिक्योरिटी के लिए सीसीएल के पास जमा करना और उसके बाद अगर देखें तो गाड़ियों का खर्च, स्टाफ का खर्च, तमाम तरह का खर्च है। तो कहीं ना कहीं ये कोयला चोरी भी बता रहा है कि ये तमाम जो है मेकअप जो है इन पैसों का ये लोग इसी से, इस अवैध कारोबार से कर रहे हैं। धर्मेंद्र, ये RSSG कंसर्टिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी कंपनी है, क्या जानकारियां मिले हैं, कौन है संचालक इसका? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से जब टेंडर चलता है तो देश के किसी भी कोने की कंपनी जो है किसी भी कोयलवरी का ट्रांसपोर्टिंग ले सकती है, लिहाजा जो है वो कंपनियां आराम से जो है कोयले का ट्रांसपोर्टिंग का काम ले लेती है, क्योंकि उसको स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती है उसकी जानकारी नहीं होती है। उसे यह भी जानकारी उन कंपनियों को नहीं होता कि आखिर कहां से कहां तक कोयले का परिवहन करना है, किस तरह की परेशानी आएंगी। ऐसे में जब ये कंपनियां काम लेकर खदान तक पहुंचती है, सीसीएल कार्यालय तक पहुंचती है, तो वो आराम से ये काम अपने पेटीदारों को थमा देती है। स्थानीय स्तर पर कुछ सक्रिय लोग होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो पूरे काम को पेटी में उठा लेते हैं। अब आप समझ लीजिए 20% बिलो में टेंडर, उसके बाद भी पेटी पर काम मिल जाता है और पेटीदार काम करके जो एक तरह से कहे कि अपने जेबें गर्म कर रहे हैं। तो इतने कम जो है लागत में आखिर ये काम कैसे चल रहा है, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि जो है सीसीएल कर्मी की जो सुरक्षा कर्मी है, जो उनकी मिली भगत से लगातार जो है देश का कोयला, देश के जो। लेकिन धर्मेंद्र, एक सवाल जहन में आ रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन करने में मिलावट की जाती है तो सीसीएल के रैक पर जो मापी होती है, सीसीएल के रैक पर जो कोयला लोड होता है वहां से पावर प्लांट को भेजा जाता है और ट्रकों से जो कोयला साइडिंग पर गिरता है, दोनों के मापी में फिर फर्क आ सकता है। तो बावजूद इसके बिना अधिकारियों के मिलीभगत से क्या यह संभव है कि इस तरीके से धूल झोंक कर पावर प्लांट में मिट्टी और पत्थर सप्लाई किए जा सके?
बिल्कुल बहुत ही बारीक चीज को आपने पकड़ा है, जो सबसे बड़ी बात है जो जो कोयले का। धर्मेंद्र आपसे आखिरी सवाल होगा, आखिर ये पूरा गोरख धंधा अगर कहीं पे कोयले की कटिंग हो रही है कोलियरी से साइडिंग के बीच में, तो डिपो भी बना होगा, और डिपो बना होगा तो उगाही भी हो रही होगी, स्थानीय पुलिस कह ले या CISF कह ले, जिसके भी क्षेत्र में वन विभाग कह ले, कई सारे विभाग के क्षेत्र में पड़ता है, ऐसे में कई सारे चेहरों को मैनेज करने के बाद ही ये पूरा खेल हो रहा होगा। मनोज, इसमें पूरा सिंडिकेट काम करता है, अगर बात करें तो सबसे पहले सिंडिकेट का जो पहला हिस्सा होता है वो अवैध कोयला कारोबारी होता है, वो कारोबारी पहले जो है जो CCL में जो ट्रांसपोर्टिंग कर रही कंपनियां होता है उससे हाथ मिलाती है, क्योंकि जानती है कोयला कारोबारी जानते हैं कि जब तक ट्रांसपोर्टिंग कर रही कंपनियां उनके साथ नहीं होंगी तब तक वो कोयले का घाल में नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिहाजा पहले उन्हें भी मिलाया जाता है, उसके बाद जब ये सड़क पर आती है गाड़ी जब कोयले को लेकर, तो एक तरह से कहें कि स्थानीय प्रशासन को भी इसमें मिलाया जाता है कि कहीं वाहन चेकिंग के नाम पर या कागजातों की जांच के नाम पर जो है कोई गाड़ी पकड़ी ना जाए, इसके लिए एक तरह से कहें कि स्थानीय पुलिस की भी इसमें मिली भगत होती है। उसके बाद जब ये रेलवे साइडिंग पर जब ये कोयला जहां गिरता है वहां पर जो सुरक्षा में तैनात कर्मी होते हैं उनकी भी मिली भगत होती है, जो इस तरह के ये मामले आते हैं तो जो स्थानीय जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या फिर जो एरिया के जो GM होते हैं वो भी संदेह के घेरे में आते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उन पर भी उंगली उठना लाजमी है। निश्चित तौर पर उंगली उठना लाजमी है, और कई पॉकेट खुल जाते हैं जब चोरी होती है लूट होती है तो कई पॉकेट खुल जाते हैं। नजर बनाए रखिएगा धर्मेंद्र इस पूरे मामले पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।